Festivals of India. दीपावली, जिसे रोशनी के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है, कई कारणों से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में दीपावली भगवान राम की 14 वर्ष के वनवास से लौटने और राक्षस राजा रावण पर उनकी जीत का प्रतीक है। मिट्टी के दीप जलाकर और घरों को सजाकर लोग रोशनी का उत्सव मनाते हैं और बुराई पर अच्छाई की विजय का जश्न मनाते हैं। धन की देवी का स्वागत दीपावली को देवी लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी के आगमन के रूप में भी मनाया जाता है। लोग उन्हें खुश करने के लिए अपने घरों को साफ करते हैं, दीप जलाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। होली, रंगों का त्योहार होली खुशियों और उल्लास से भरा होता है। इसके कई कारण हैं जो इसे इतना खास बनाते हैं। बसंत का स्वागत, होली बसंत ऋतु के आगमन को चिह्नित करती है, जब ठंड कम हो जाती है और प्रकृति खिल उठती है। रंगों के छींटे वसंत के रंगीनपन और जीवन के नए उत्साह का प्रतीक हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत, पौराणिक कथा के अनुसार होली होलिका नामक राक्षसी और उसके भक्त प्रहलाद की कहानी से जुड़ी है। प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था और होलिका उसे अग्नि में जलाकर मारना चाहती थी, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद बच गया और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, इसलिए होली भी इसी जीत का उत्सव है। मकर संक्रांति, नए साल की शुरुआत। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मकर संक्रांति नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। ठंड का कहर कम होकर नई ऋतु बसंत का आगमन होने से यह उम्मीद का संदेश देता है। फसल कटाई का उत्सव मकर संक्रांति फसल कटाई के समय मनाया जाता है, इसलिए यह खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। लोग तिलकुट लड्डू आदि मिठाइयां बनाकर खुशियां मनाते हैं। परंपरागत रीति रिवाज, हर क्षेत्र में मकर संक्रांति अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। पतंग उड़ाना, हल्दी कुमकुम का तिलक करना, रंगोली बनाना, लोक गीत गाना जैसे परंपरागत रीति रिवाज इस त्योहार को खास बनाते हैं। ईद उल फितर, एक महीने के रमजान के पवित्र रोजे रखने के बाद आने वाली ईद उल फितर खुशियों और आभार का पर्व है। सुबह की विशेष नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं और मिठाइयां बांटते हैं। घरों को सजाया जाता है, नए कपड़े पहने जाते हैं और बच्चों को ईदी दी जाती है। जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव है, जो हिंदुओं के सबसे लोकप्रिय देवताओं में से एक है। यह भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं और रात को 12 बजे उनके जन्म का उत्सव मनाते हैं। गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी जिसे गणेशोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह भगवान गणेश, बुद्धि और शुभ कार्यों के देवता के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ता है। उत्सव की विशेषताएं, मूर्ति स्थापना, घरों या पंडालों में मिट्टी या धातु से बनी भगवान गणेश की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। पूजा अर्चना, मूर्ति को दूध दही फल फूल आदि चढ़ाकर पूजा की जाती है। भजन और आरती, मंदिरों और घरों में भगवान गणेश के भजन और आरती होती है। मोदक का भोग, मोदक गणेश जी का प्रिय भोजन है, इसलिए उन्हें मोदक का भोग लगाया जाता है। गणेश विसर्जन, 9 दिनों के बाद मूर्ति को किसी नदी या समुद्र में विसर्जित किया जाता है। नवरात्र और दशहरा, नवरात्र और दशहरा हिंदू धर्म के दो प्रमुख त्योहार हैं, जो एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। नवरात्र, 9 रातों तक चलने वाला यह पर्व देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का प्रतीक है। नृत्य का विशेष महत्व है, गरबा और डांडिया खेलकर खुशियां मनाई जाती हैं। कंजक पूजा का रिवाज भी है, जिसमें 9 कन्याओं को भोजन कराकर उपहार दिया जाता है। दशहरा नवरात्र के समापन के बाद मनाया जाता है, जिसे विजयादशमी भी कहते हैं। ये बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। रामायण की कथा से जुड़ा होता है, भगवान राम ने रावण का वध किया था। रामलीला का आयोजन होता है, रावण का पुतला जलाया जाता है। नवरात्र और दशहरा आपस में जुड़े हुए त्योहार हैं,
जो शक्ति, विजय और अच्छाई के संदेश देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।